अस्सलाम वालेकुम। ईद का मतलब अगर नए नए कपड़े हैं, ईद का मतलब अगर अच्छे अच्छे खाने हैं, अगर ईद का मतलब नए पर्दे, नए बिस्तर की चादर, नए सोफे के कवर और नए फूल और गुलदान हैं, तो ये जान लें कि आपके इर्द गिर्द लाखों बल्कि शायद करोड़ों लोग आज ईद के दिन ईद नहीं मना रहे, क्योंकि ये चीज़ें जो खुश होने के लिए ज़रूरी हैं, ये इन्हें ईद पर भी मैसर नहीं। आपने रमज़ान में मज़दूरों को सड़क पर बिठाकर खूब मुफ्त अफ्तार कराए, आपने अपनी मर्ज़ी से जितना आपने बेहतर समझा उतना गरीबों की इमदाद भी की, आप मुतमईन हो गए, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि साल के बाकी 11 महीनों में, बल्कि पूरे 12 महीनों में, क्या आपने आपके पास मज़दूरी करने वाले मज़दूर को उसकी जायज़ उजरत दी या नहीं? क्या आपने कभी गौर किया, कभी ख़्याल किया कि जो उजरत आप उसे देते हैं, क्या वो इसमें अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सकता है या नहीं? क्या वो उन पैसों से अपने लिए किराए की छत, दो वक्त की रोटी, तन ढांपने को सस्ते कपड़े, बच्चों की तालीम और सेहत के अखराजात पूरे कर सकता है या नहीं? मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच तो यह है कि आम दिनों में उसका ही हक मार कर उससे ही छीने हुए पैसों में से ईद पर खैरात देकर आप उसे जलील करते हैं। कितने नेक और कितने खुदा तर्स हैं आप। मज़दूर की उजरत तय करने के लिए तो मार्केट का रेट देखते हैं, इस बात से क़तअ नज़र कि इन पैसों में इसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं या नहीं, और अपनी आमदनी की कोई हद तय नहीं करते। आपकी औलाद का हक तो दुनिया की हर आराम और आसाइश पर है, लेकिन आपके ज़ेर ज़रपरस्ती मज़दूर की औलाद के हुकूक इतने महदूद क्यों? मज़दूर की मज़दूरी से पैसे मारकर उसके ऊपर रमज़ान और ईद में मेहरबानियों का ड्रामा करने के बजाय, अगर उसे जायज़ तनख्वाह दी जाए जिससे उसको फुटपाथ पर अफ्तार करने की बजाय अपने घर पर इज्जत से अपने बच्चों के साथ अफ्तार करना नसीब हो, तो ज़्यादा बेहतर है। इन बातों पर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।